तो गाइस आज मैं आपको बताऊंगा कि आप काइन मास्टर में डुप्लीकेट इफेक्ट कैसे करोगे। उसके लिए ऑब्वियस हमको काइन मास्टर ओपन करना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है, फिर 16x19 पे क्लिक करके नेक्स्ट। फिर उसके बाद आपको पहला एक वीडियो होगा जो आपको कुछ इस तरीके से शूट कर देना, देख लीजिए। तो फिर आपको सीधा यहाँ से जहाँ से आप एक्टिंग स्टार्ट करोगे गिरने का, वहाँ से आपको लेयर फिर मीडिया पे क्लिक करके आपको एक नेक्स्ट वीडियो को इंपोर्ट कर देना है जो कि यहाँ पर आएगा। इसको आप अच्छे से एडजस्ट कर लीजिएगा। एक अच्छे से आपको इसको बड़ा करके कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है और लाइटिंग की मात्रा जैसे मैंने किया उस टाइप से करना है। फिर आपको यहाँ से लेयर फिर इफेक्ट, पहले आपको स्टार्टिंग से ही करना है लेयर फिर इफेक्ट स्प्रियल नहीं बेसिक इफेक्ट्स जाके बस पहले से ही होगा, उससे पे नहीं जाना है। पहले तो आपको जाना है बोलो नहीं तो मैं शायद बोल देता यहाँ पर। फिर आपको एडजस्टमेंट पे जाके ये वाला हमारा जो वीडियो है उसको, अगर आपका डार्क वाइड मेरे तरह तो फिर एडजस्टमेंट में जाके हम लोग ठीक कर देंगे, ठीक है। तो एडजस्टमेंट कहाँ पर है, एडजस्टमेंट मिल गया है। अभी ब्राइटनेस को हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे, जैसे तब ये बिल्कुल इसी वीडियो की तरह दिखेगा। चलो करते यहाँ से, जैसे ही मैं कूदूंगा तो यहाँ से मुझे नहीं चाहिए, फालतू का है, तो मैं उसको थोड़ा सा निकाल दूंगा। जिसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है कैंची के ऑप्शन में, और उसके बाद आपको क्लिक करना है ट्रिम राइट ऑफ द प्ले हेड। अभी आपका वीडियो कुछ इस तरीके से होगा। तो आपको कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा इसको अच्छे से करना आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पास हो गया है, अभी हम लोग सेकंड के लिए जाते हैं जिस पे हम लोग करेंगे वॉल क्लाइंबिंग। हमारा
अभी वॉल क्लाइंबिंग के लिए सबसे पहले आपको डाउनलोड पे जाना है, ठीक है, डाउनलोड। फिर आप कुछ इस तरीके के एक दीवार ले लेना है, फिर आपको इसको इंक्रीज कर देना है, ठीक है। हम लोग लेयर मीडिया ऐड करके इंक्रीज करेंगे, फिर आपको कुछ इस टाइप से वीडियो को शूट कर लेना है, फिर उसको फुल स्क्रीन में कर देना है। ये हम लोग अभी हम लोग इसको बढ़ाएंगे भी इतना। अभी मेरे जैसा ही आपका हो रहा है, अगर इस पर आपका जो नीचे में वीडियो दिख रहा होगा उस पर एक बार क्लिक करना है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर जो है एक ऑप्शन आएगा क्रॉपिंग का, देख लीजिए मैं क्रॉपिंग का दिखाता हूँ आपको। ये क्रॉपिंग का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, तो फिर आपको इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। फिर आपको बाद में इस पर क्लिक करना है, ठीक है, इस पर क्लिक करके बाद में आप जैसा चाहो। अभी आपको इसके नीचे में कुछ इस टाइप का दिख रहा होगा, देख लीजिए ये आइकॉन्स, ठीक है, उस आइकॉन्स पे क्लिक करके आपको अपने वीडियो को छोटा करना है जितना आपका ग्रीन स्क्रीन है। तो फिर मैं भी सेम करता हूँ, ऐसे करके हमारा वीडियो छोटा हो गया 2 सेकंड पे। और हाँ, याद रखना ये जो है नीचे में ग्रीन ही होना चाहिए, ग्रीन स्क्रीन, इसके अलावा कोई भी ग्रीन और ब्लैक में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। अभी आप रिवर्स पे जाएंगे, ठीक है, फिर उसको हम लोग ऐसे अपनी उंगलियों से घुमा के उसको टेढ़ा करके यहाँ पर रख देंगे। अभी हम लोग क्रोमा की जाएंगे, फिर उसके की कलर को इनेबल करेंगे, फिर हमारा वीडियो पूरा इस तरीके से दिखना चाहिए। फिर उसको हम लोग ऐसे कर देंगे, शो मार्क को हम लोग हटा के यहाँ पर ऐसे कर देंगे, अपने वीडियो को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, फिर देखिए आप चाहे तो अपने वीडियो को फुल में भी कर सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी घटिया दिखेगा। फिर आप देख लीजिए, ये अच्छा नहीं दिखेगा। आप चाहे तो अपने आप को छोटा भी कर सकते हो और डाल सकते हो, इससे ऐसा लगेगा कि ये काफ़ी बड़ा है। ठीक है, यहाँ से जैसे ही आप कैमरा से गायब होगे इस पर क्लिक करना है, फिर उसको थोड़ा सा ऊपर लेना है, यहाँ पर जाके फिर से उसको थोड़ा सा ऊपर लेना है, यहाँ पर जाके फिर से उसको थोड़ा सा ऊपर लेना है, फिर वापस से जाके इसको पूरा ऊपर ले लेना है। तो फिर आपका वीडियो कुछ इस तरीके से होगा, काफ़ी अच्छा। अभी इसको हम लोग कट कर लेंगे यहाँ पर, राइट, ये हमारा हो गया है वीडियो काफ़ी अच्छा। या फिर आप जहाँ से इनविजिबल हो रहे हो थोड़ा सा वहाँ से भी आप कट कर सकते हो, ठीक है, और आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट भी कर लीजिएगा जैसे कि मैं कर रहा हूँ। कलर फिल्टर से आप इसको थोड़ा सा
अच्छा कर दीजिएगा। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ कि आप B03 लो वो अच्छा होगा। और नेक्स्ट है विदाउट किसी चीज के हम लोग क्रोमा की कैसे कर सकते हैं। और लास्ट उसके लिए आपको पहले कोई भी एक फोटो ले लेना है या फिर कोई भी एक वीडियो जो भी आप सोच रहे हो। मेरे पास कोई भी फोटो या फिर वीडियो नहीं है इसलिए मैं यहाँ से इसको इसको मैं यहाँ से ट्रिम कर दूंगा। ट्रिम राइट ऑफ द प्लेहेड। तो अभी आपको क्या करना है, लेयर फिर मीडियम फिर आपको कोई भी इमेज को डाउनलोड करके रखना है, फिर यहाँ पर उसको ला देना है, फिर उसको फुल स्क्रीन में कर देना है। मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। पहले तो आपको इसको करने के लिए यहाँ पर फुल स्क्रीन ऐसे कर दीजिएगा। मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि कहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ उस पर क्लिक करने के बाद इस पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, अभी आपको इस पर क्लिक करना है। फिर आपको ब्लेंडिंग में जाना है, ओवरले सेलेक्ट करना है। फिर आपको इसके एडजस्टमेंट में जाके ब्राइटनेस को फुल कर देना है या फिर पूरा डल भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ कि फुल करो। कॉन्ट्रास्ट को ऐसे करके थोड़ा सा लाइट कर दो और इसको भी इतना ज़्यादा मत करो, दिखना चाहिए। थोड़ा सा आप एडजस्ट कर दो या फिर आप ग्रीन स्क्रीन के साथ थोड़ा सा भी कर सकते हो। अभी हमारा नेक्स्ट है मुंह खोलते साथ हाथ उठाना। उसके लिए हम लोग एक वीडियो सेलेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट चलो अभी हम लोग वो वीडियो को सिलेक्ट कर देंगे, ये वाला। आपको यहाँ पे जो आप फालतूगिरी करते हो उसको ऑब्वियसली आपको ट्रिम ही तो करना है ना, और क्या करेंगे। और यहाँ से आपको वीडियो कुछ इस तरीके से बना देना। फिर आप जैसे आँख खोलने को बंद करोगे वहाँ से आपको ट्रिम कर देना है। तो जब बंद करने वाला होता है वहाँ से नहीं, जहाँ से आप बंद करने की सोचो वहाँ से आपको ट्रिम कर देना है। ठीक है, अभी आपको लेयर फिर मीडिया, उससे पहले देख लेंगे हम लोग कहाँ से अपने मुंह को लाना चाहते हैं। यहाँ से फिर यहाँ से लेयर फिर मीडिया। फिर आपको एक वीडियो लेना पड़ेगा कैमरा पर जाके। अभी आपको जो वीडियो है कुछ इस तरीके से शूट होना चाहिए, देख लीजिए। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा बढ़ा भी देंगे। इस पर क्लिक करेंगे। अभी हम लोग ऑब्वियसली हमको क्रोमा की करना है तो फिर क्रोमा की पर ही क्लिक करेंगे।
यहाँ से हम लोग ट्रिम कर देंगे उसको। हो जाएगा वीडियो, आप चाहो तो म्यूजिक भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। और मेरे मन में क्या क्या चल रहा है एडिट करने के लिए, और कर देता हूँ मैं एडिट। अभी देखो, आप कोई आप मतलब कोई ड्राइंग बना रहे हो, फिर बाद में आपको सब लोगों को दिखाना है कि मैंने ये ड्राइंग बनाई है, देखो कितना मस्त है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको ड्राइंग बना लेना है वो ऑब्वियसली। फिर आपको क्या करना है, काइन मास्टर एप्लीकेशन में आना ऑब्वियसली। फिर आपको इमेज है सेट्स पे क्लिक करना है। देख लीजिए, मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। स्टिक को पूरा फुल करके हम लोग यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करके हम कोई सा भी बैकग्राउंड लेंगे, ठीक है, कोई सा भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। पर मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो ये वाला बैकग्राउंड है वो सबसे सही रहेगा, वाइट वाला, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर लेवल, फिर मीडिया, फिर कैम, रुक जाओ, मैं पहले जैसे करता हूँ वैसे करते, जैसा कि मैंने बोला था, यहाँ से लेयर पे क्लिक कर देना है। उसके क्लिक करके आपको यहाँ मीडिया पे क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ कैमरा का ऑप्शन आएगा, देख लो। अभी उस कैमरा के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आपको अपनी ड्राइंग को इंपोर्ट करना है यहाँ पर। फिर आपको यहाँ देखो इधर पर एक बार क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको अपने वीडियो को ऐसे कर लेना, उसे ले जाना, ठीक है। फिर आपको ऐसे करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना, ठीक है। क्लिक कर दिया है हमने, अभी हम लोग लेयर पे क्लिक करेंगे। रुक जाओ, मैं ड्राइंग से बताता हूँ आपको। लेयर पे क्लिक कर देंगे, अरे सॉरी, आ गया। फिर लेयर पर क्लिक करने के बाद हम लोग ऑब्वियसली बात है कि हमको मीडिया पे जाना है। आप बाकी सारे ऑप्शन को भी चूज कर सकते हो, लेकिन मीडिया पे जाके आपको हमने जिस चीज़ का ड्राइंग बनाया है हम लोग उसको इंपोर्ट कर देंगे यहाँ पर। फिर उस पर क्लिक करना है थर्ड लेयर पर, फिर उसको भी एडजस्ट कर देना है। तो हो गया हमारा वीडियो, और भाई 19 मिनट का वीडियो है, बाप रे, ठीक है। और आप इसमें ऑडियो भी डाल सकते हो। अभी सेकंड चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कोई फेक नेटफ्लिक्स या फिर कोई भी चीज़ का लोगो बना सकते हो। अभी उसके लिए अभी आपको इमेज एसेट्स पर क्लिक करके ब्लैक स्क्रीन को सिलेक्ट